गुस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब एक फिल्म की वजह से संजय गांधी को तिहाड़ जाना पड़ा था। सिनेमा और सियासत का गहरा संबंध रहा है। फिल्मों को राजनीति का आईना भी कहा जाता है। इमरजेंसी के दिनों में एक ऐसी फिल्म आई जो प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को इतनी चुभी कि उसके प्रिंट तक जलवा दिए गए। बाद में संजय गांधी को इस जुर्म में तिहाड़ की हवा तक खानी पड़ी। फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का। ये फिल्म पॉलिटिकल सटायर थी और इसे अमृत नाहटा ने बनाया था। माना जाता है कि फिल्म इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के जीवन से प्रेरित है और कांग्रेस पर तंज है। फिल्म में शबाना आजमी, उत्पल दत्त और मनोहर सिंह जैसे अभिनेता मुख्य किरदार में थे। शबाना आजमी गूंगी जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी तो उत्पल दत्त गॉडमैन और मनोहर सिंह ऐसा नेता का रोल निभा रहे थे जो हमेशा अजब गजब फैसले लेता था। उस दौर में संजय गांधी बहुत ताकतवर हुआ करते थे। इंदिरा भले ही प्रधानमंत्री थी लेकिन सारे फैसले संजय लिया करते थे। जब सरकार को इस फिल्म की खबर मिली तो जांच के लिए 7 सदस्यों का एक रिवाइजिंग कमीशन बना दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि इस कमीशन ने किस्सा कुर्सी का फिल्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को रेफर कर दिया। उसके बाद मंत्रालय ने फिल्म के डायरेक्टर अमित नाहटा को शो कॉज नोटिस जारी किया। इस नोटिस में फिल्म को लेकर 51 ऑब्जेक्शन दर्ज कराए। ये भी माना जाता है कि संजय गांधी के इशारे पर इस फिल्म के सारे प्रिंट और रील तक जलवा दिए गए थे ताकि कहीं कोई नामो निशान ना बचे। इमरजेंसी हटते ही लोकसभा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई। जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार ने आपातकाल के दौरान की गई मनमानियों की जाँच के लिए शाह कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने संजय गांधी को दोषी पाया। रशीद किदवई लिखते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और उसने संजय गांधी को फिल्म का प्रिंट जलाने का दोषी पाया। उन्हें एक महीने तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा। संजय गांधी के साथ साथ इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे वीसी शुक्ला को भी 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में इस फैसले को पलट दिया गया था। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 1978 में ये फिल्म दोबारा बनी लेकिन कब रिलीज हुई साफ पता नहीं है। मजेदार बात ये है कि जिस अमृत नाहटा ने किस्सा कुर्सी का फिल्म बनाई थी वो कांग्रेस में ही हुआ करते थे और 1967 और 1971 में कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर से लोकसभा पहुंच चुके थे। बाद में इमरजेंसी में जब फिल्म बनाई और उनकी फिल्म के प्रिंट जलवा दिए गए तो उन्होंने जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इमरजेंसी हटते ही जब चुनाव हुए तो नाहटा राजस्थान की पाली लोकसभा सीट से मैदान में उतरे और तीसरी बार सांसद बने। तो दर्शकों, ये था संजय गांधी की जिंदगी से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।